के ध्यान की डॉट है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट मस्कुलर टिश्यू के टाइप के साथ, ठीक है। मजेदार सा टॉपिक है, बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको। चलो एक बार उसके टाइप देखते हैं। मस्कुलर टिश्यू तीन पार्ट्स में मेनली मस्कुलर टिश्यू को स्टडी करना है हमें। व्हाट आर दे? स्ट्राइएटेड मसल्स, ठीक है, देन दी स्मूथ मसल्स एंड दी कार्डियक मसल्स। एक एक करके सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल आपको बताऊंगी तो आप आराम से समझ पाओगे, ठीक है। एक बार सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्राइएटेड मसल्स के बारे में। अब स्ट्राइएटेड मसल्स है क्या बेसिकली? एक बार ये स्केलेटल मसल्स भी कहलाए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वो मसल्स है जो हमारी बोन्स के साथ अटैच होते हैं। अब हमारी बोन्स दैट मीन हमारा स्केलेटन सिस्टम, ठीक है, हमारा बोन सेट। इस वजह से इसका नाम स्केलेटन मसल्स भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो कहीं पर भी अगर ये वर्ड यूज हो रहा है तो डोंट गेट कंफ्यूज, आपको पता होना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट दी स्ट्राइएटेड मसल्स ओनली, ठीक है। चलिए तो स्ट्राइएटेड मसल्स बेसिकली है क्या, होता क्या है? अगर आप इसकी पिक्चर देखेंगे तो थोड़ा सा सिलेंड्रिकल शेप में आपको दिखेंगे, प्लस आपको स्ट्राइएशंस दिखेंगी इस पे ऑल्टरनेटिवली, एक के बाद एक लाइट और डार्क कलर की धारियां सी, ठीक है, स्ट्राइएशंस होती हैं। तो इसलिए इसका नाम पड़ा हमें स्ट्राइएटेड मसल्स। अब एक बार इसके सेल्स के बारे में ही राउंड करते हैं। सेल्स आर लॉन्ग अनब्रांच्ड, ब्रांचेस नहीं होती है, ठीक है, देन सिलेंड्रिकल एंड मल्टी न्यूक्लिएट। सो मल्टी न्यूक्लिएट मतलब हैविंग मेनी न्यूक्लियाई, ये वर्ड ही हमें समझा रहा है। मल्टी न्यूक्लिएट कैन, यस, दिस कैन बी आस्क्ड, ये पूछा जा सकता है कि उसके फीचर्स क्या है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं आपको मसल्स के बारे में, उनके सेल्स के नेचर के बारे में बताती हूँ, तो ये चीजें हमें याद रखनी है कि कौन सा सेल कौन सा टिश्यू कैसा दिखता है, कैसे फीचर्स हैं उसके, ठीक है। चलिए मल्टी न्यूक्लिएट समझ आया, देन वी कैन मूव दीज मसल्स वॉलेंटरीली। इससे ये बहुत बड़ा फीचर है, ठीक है, स्ट्राइएटेड मसल्स का सबसे बड़ा फीचर यही है कि हम इन्हें अपने चॉइस से मूव कर सकते हैं बाय अ कॉन्शियस विल व्हेन वी वांट टू मूव, ठीक है। मैं चाह रही हूँ तो मूव करूँ, मैं चाह रही हूँ तो इसे रोक लूँ, तो ये हमारे कंट्रोल में रहते हैं, इस वजह से इन्हें वॉलंटरी मसल्स भी कहा जाता है। चलिए अब इसके बाद थोड़े से और फीचर्स देखते हैं अपने स्ट्राइएटेड मसल्स के बारे में। चलिए अब स्ट्राइएटेड मसल्स के बाकी के फीचर्स देखते हैं एक बार, ठीक है। अब क्या है इनमें सबसे ज्यादा, आपकी बॉडी में कोई पार्ट अगर कवर करता है मसल्स में तो वो स्ट्राइएटेड मसल्स ही होते हैं। एक बार देखिए, फर्स्ट दे आर द फास्ट वर्किंग मसल्स। फास्ट वर्किंग क्यों कह सकते हैं हम? क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा है कि वॉलंटरी मसल्स हैं, दैट मींस हमारे कंट्रोल में रह सकते हैं, ठीक है। और जो चीज कंट्रोल में रह सकती है उसकी वर्किंग, उसके साइज पे हमारा कंट्रोल है, हम उसे अपने तरीके से टोन कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो हमारे स्ट्राइएटेड मसल्स का ही पार्ट रहता है। प्लस बॉडी बिल्डिंग में जितने भी आपके ये बाइसेप्स ट्राइसेप्स, आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, आप भी अभी देखो सब रिलेट करेंगे, तो यही मसल्स, ये जितने भी हमारे एब्स वगैरह आप बात करते हो ना बनाने की, वो सारे आपके बॉडी के सबसे मेजर पार्ट कवर करते हैं और वो होते हैं आपके स्ट्राइएटेड मसल्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आर द फर्स्ट मस्कुलर टिश्यू दैट इज स्ट्राइएटेड और द स्केलेटल मसल्स। नाउ वी विल फर्दर मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द मस्कुलर टिश्यू। सो नाउ ऑनवर्ड्स फॉर मोर सच वीडियोस यू कैन डाउनलोड आवर ऐप ऑल्सो फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, ई विद्यार्थी के नाम से वहां पर ऐप अवेलेबल है, आप डाउनलोड करो, हमारी सारी वीडियोस वहीं से देखिए। सो अप टिल देन, बाय, टेक केयर।